हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ के ऊपर काम करा है। एक है ब्राउज़ कैसे हम करेंगे, एक इमेज को अगर हमें ब्राउज़ करना है, और एक हमें टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हमें शो करना है और उसकी नेम को और इमेज व्यू को यहाँ पर शो करना है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काम करा था। और दूसरा काम हम लोगों ने करा था ये डाउनलोड बटन के ऊपर, कि डाउनलोड अगर हम करना चाहते हैं इस इमेज को, तो हम अपने किसी भी एक फोल्डर के ऊपर अंदर हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर वो इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो हम लोगों ने ये दोनों काम हम लोगों ने करा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एप्लीकेशन के ऊपर हमें लिंक का इस्तेमाल करना है। तो वो लिंक का कैसे इस्तेमाल हम करेंगे, वहाँ पर अगर हमें लिंक देखना हुआ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने इस एप्लीकेशन के ऊपर, ओके। और इस एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक लिंक मैं इसे प्रोवाइड कराता हूँ, और वो गूगल पर मैं जाता हूँ और गूगल से मैं एक इमेज के लिंक को मैं पहले यहाँ से ये करूँगा, डाउनलोड करूँगा या ये कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर सनफ्लावर की मुझे एक लिंक मुझे मिली है, तो मैं इसे न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमें ये फ़ोटो मिलने लगा, और मैं इसकी कॉपी कर सकता हूँ इसके लिंक को, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं इससे क्लिक करूँगा डाउनलोड पर, तो ये हमें दिखता है इमेज सेंड सेव्ड सक्सेसफुली, तो ये हमें दिखने लगा और ये इमेज भी हमें यहाँ इस जगह पर हमें शो होने लगा। अब मैं इस इमेज को अगर देखना चाहता हूँ यहाँ से ब्राउज़ करके, मैं इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर वो इमेज मैं देख सकता हूँ। तो ये दो काम हम लोगों ने ऑलरेडी करा था, एक ब्राउज़ के ऊपर और एक इमेज को डाउनलोड के ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमें अब ये करना है कि हम कैसे एक इमेज जो लिंक है, जो अगर हमें इमेज की लिंक प्रोवाइड की जा रही है, उसे हम अपने एक फोल्डर के अंदर हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए और वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर हमारी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुकी है, जो कि है डाउनलोड इमेज निक नेम का, ओके। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ मैनिफेस्ट के अंदर हम यूज़र परमिशन हम इसे दे देते हैं, ओके। पहले हम इंटरनेट का परमिशन देंगे, एंड देन उसके बाद से हम यहाँ पर एक राइट एक्सटर्नल स्टोरेज का और रीड एक्सटर्नल स्टोरेज का हम यहाँ पर इसे परमिशन दे देंगे, ओके। ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम मैनिफेस्ट को यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं और अब हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। और डिज़ाइनिंग ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग नहीं है, इस वजह से मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग की पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस डिज़ाइन को रन करके देख लेना है कि ये डिज़ाइन कैसा हमें दिखता है, ओके। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं अभी तक जो भी चीज़ बताया हूँ, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, जो कि मैं सी ड्राइव अपने इंटरनल स्टोरेज में मैं जो डाउनलोड करूँगा, फिर ब्राउज़ बटन के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, दो वीडियो मैंने प्रीवियस अपलोड कर दिया है। तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर आप जाकर देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर कोड करूँगा तो आपको दिख जाएगा, बट आपको अगर अच्छे से देखना हुआ, समझना हुआ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हो, ओके। और वो मैं आई बटन के ऊपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मैं ये कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो, आपको ये डिज़ाइन आपको दिखता होगा, ये सिंपल सा डिज़ाइन है, ज़्यादा कोई हेक्टिक डिज़ाइन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जावा कोड की तरफ जाना है और जावा कोड करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन सभी की आई डी मैं रखूँगा, ओके, एंड उसके बाद मैं और आगे का काम जो भी है वो मैं प्रोसीड करूँगा। तो चलिए अब देखते हैं जावा कोड के अंदर।
तो अभी तक आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक एसिंक टास्क का इस्तेमाल करा है, और इस एसिंक टास्क के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डूइंग बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक ऑन प्री एग्जीक्यूट और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट का मैंने इस्तेमाल करा है, जिसके अंदर बिट मैप है और यहाँ पर URL पास कर रहा हूँ मैं। और ये प्री एग्जीक्यूट और पोस्ट एग्जीक्यूट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो अगर हम ये डाउनलोड टास्क जो फंक्शन है इसको अगर हम लोग कॉल करते हैं, जो एक्सटेंड करता है एसिंक टास्क को, तो अगर हमने इसको कॉल कराया तो सबसे पहले डू इन बैकग्राउंड चलता है, ओके। और ये हमारे जो भी API कॉल हुआ या जो भी हमने अगर हमें करना है तो हम यहाँ पर करते हैं, इसके अंदर करते हैं। इसके बाद से क्या प्रॉब्लम यहाँ पर बात आती है कि अगर ये जब रन होगा उससे पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जब उससे पहले होगा तो वो प्री एग्जीक्यूट चलेगा, और यहाँ पर अगर आपको टोस्ट शो करना हो या एक डायलॉग बॉक्स, अगर प्रोग्रेस बार जो हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस बार डायलॉग अगर हम लोग बोलते हैं, वो अगर हमें रन करना होगा तो हम यहाँ पर उससे शो करेंगे। अगर वो फिर कंप्लीट हो जाता है वो टास्क पूरा, तो वो पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर शो करेंगे कि वो जो प्रोग्रेस बार है, वो हम जो तो लोडिंग का दिखता है वो ये डिसमिस हो जाना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। और इसके अंदर भी हम लोग बहुत सा काम कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हमें ये काम करना है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कैसे हम ये सारा कोड हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, इसके ऊपर कोई भी अगर लिंक अगर ये करता है पेस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं उस लिंक को लेते हैं और एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देते हैं, और उसी को हम एक URL में पास कर देते हैं, और बस उस URL को हमने रिटर्न कर दिया, ओके। तो ये सारा काम अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि क्या वो सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें एक लिंक हमें प्रोवाइड करानी है, तो मैं क्या करता हूँ गूगल पर जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर एक लिंक ये न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ सॉरी, एंड देन यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये इमेज हमें यहाँ मिल गया। अब अगर मैं ब्राउज पर क्लिक करूँ और फिर मैं अगर अपने अपने इंटरनल स्टोरेज पे इस इमेज को मुझे सेव करना हुआ, तो अब हम वो कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे ये हम अपने प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड ही काम करने वाले हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग वो भी देख लेते हैं कि उसके ऊपर हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हम लोगों ने डाउनलोड टास्क जो फंक्शन है इसे हम लोगों ने कॉल करा, ओके। यहाँ पर डूइन बैकग्राउंड है, ओके, ऑन प्री एग्जीक्यूट है, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट है। अब ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मैंने आपको बताया था कि ये क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, जब हमारी कोई भी
जो वर्क है वो सक्सेसफुली काम कर जाती है, तो हमारी डेटा क्या आती है और हमें क्या फेच करना है या स्टोर करना है, वो सारा काम हम ऑन पोस्ट के अंदर हम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या वहाँ से डेटा कुछ हमें मिलता है। इफ़ अगर ये नॉट इक्वल्स टू नल है तो भाई वहाँ पर ये जो बिट मैप जो हम ये कर रहे हैं कैच कर रहे हैं वो वैल्यू को आप इस इमेज व्यू के ऊपर शो कर दो। अगर वो नल नहीं है, अगर वो सपोज नल है सॉरी, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें एरर शो करेगा टोस्ट की तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम लोग ये बताएंगे कि भाई वो जो इमेज व्यू के ऊपर जो इमेज रखी हुई है, ये जो इमेज रखी हुई है यहाँ पर, इस इमेज को क्या करो भाई, किसी इंटरनल स्टोरेज पे मेरे सेव कर दो। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करूँगा, ओके, और उस फंक्शन के नेम मैं कर देता हूँ सिंपल, जैसे कि डाउनलोड इमेज ऐसा कर देता हूँ मैं, डाउनलोड इमेज, ओके। अब इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपने ही एक इसके अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर। अब हम यहाँ पे सारा काम करने वाले हैं, तो मैं इस टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस कोड को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, और एक और काम हम यहाँ पर करने वाले हैं जो कि ब्राउज बटन के ऊपर काम करना है हमें। अब मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक और इमेज मैं यहाँ पर लेता हूँ और इसे मैं ऐसा कर देता हूँ, एक मैं इस एस्ट्रोनॉट का या कोई अलग इमेज मैं लेता हूँ, ये वाली इमेज इसे मैंने लिया और इसे मैंने कॉपी करा इसके लिंक को, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उसके यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इमेज सेव सक्सेसफुली हमें शो कर रहा है। अब हमें इस इमेज को देखना हुआ तो हम फिर यहाँ पे ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर जाएंगे और डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखो आपको वो इमेज यहाँ पर दिख रहा है, ओके, सबसे टॉप के ऊपर। तो ये सारी फंक्शनैलिटी थी कैसे हम एक लिंक से हम एक इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, अपने इंटरनल स्टोर के अंदर, और कैसे उसे ब्राउज़ करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये जितनी भी फंक्शनैलिटी थी, कैसे आप इमेज व्यू से इमेज को आप अपने इंटरनल स्टोरेज पे डाउनलोड करोगे, कैसे ब्राउज़ बटन के ऊपर काम करोगे, कैसे लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करना चाहते हो किसी इमेज को वो कैसे करोगे, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। फ्यूचर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूँगा उसे सही करने की और उसे आपको अच्छे से समझाने की। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ओके बाय।